नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चापुरेश आर्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, स्मोकिंग सीरीज को ही आज भी हम आगे बढ़ाएंगे और आज मैं आप लोगों के लिए उसका जो पैटर्न लेके आई हूँ वो बाकी सारे पैटर्न से थोड़ा सा फर्क है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जो स्टिच बना रहे हैं उसके लिए हम इन प्लीट्स को थोड़ा सा दूर दूर कर लेंगे जिससे ये स्टिच ज़्यादा अच्छे से बन पाएगी। उसके बाद हम निडल यहाँ इसकी डेप्थ में से नहीं निकालेंगे बल्कि फर्स्ट प्लीट के साइड में से निकालेंगे और फिर बिल्कुल उसके सामने सेकेंड प्लीट में से निडल को डालेंगे और फिर से फर्स्ट प्लीट में से निकाल लेंगे। फिर एक बार सेम चीज़ रिपीट करेंगे। अब जितना कपड़ा हम इधर दबा रहे हैं उतनी ही डिस्टेंस पे सेकेंड प्लीट में यहाँ से निडल को नीचे ले जाएंगे और थर्ड प्लीट में उसी डिस्टेंस पे बिल्कुल इसकी सीध में यहाँ से निडल को निकाल लेंगे। अब इस थ्रेड को आप कितना टाइट रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों स्टिचेस में कितना गैप रखना चाहते हैं। फिर इस थ्रेड को ऊपर करेंगे और फिर फोर्थ प्लीट में से थर्ड प्लीट में निकालेंगे। इसमें भी हम थ्री स्टिचेस बना लेंगे। अब थर्ड स्टिच के लिए हम फोर्थ प्लीट में से फिर से निडल को नीचे ले जाएंगे और फिफ्थ में से निकाल लेंगे। अब फोर्थ और फिफ्थ में इसी तरह बनाएंगे। और अब यहां से निडल को नीचे ले जाएंगे और नेक्स्ट प्लीट में से बाहर निकालेंगे। यहाँ से निडल को नीचे ले जाएंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। इसी तरह इस रो में आप जितने भी एरिया में ये बनाना चाहते हैं उतना बना लें। देखिए दोस्तों, इसी तरह आपको जितने भी लंबे एरिया में ये बनाना है बना लेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट रो बनाएंगे तो इन दो प्लीट से स्टार्ट करेंगे, मतलब एक प्लीट इधर की और एक इधर की, बिल्कुल उसी तरह निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाला था। सेकंड रो बनाने के लिए आप राइट से लेफ्ट की तरफ वापस भी जा सकते हैं या दोबारा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके राइट में आ सकते हैं। और फिर थर्ड स्टिच यहाँ से अंदर ले जाके इस साइड से निकाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टू प्लीट में
इसी तरह इस लाइन को पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट रो में फिर हम यही वाली दोनों प्लीट्स लेंगे इस तरह। देखिए दोस्तों, इसी तरह आप इसकी कितनी भी रो बना सकते हैं, जितना चौड़ा आपको ये पैटर्न बनाना है। जब हम इसके बीच का थ्रेड निकाल देंगे तो ये इस तरह थोड़ा खुला खुला बनेगा। अब मैं इसका ये थ्रेड यहाँ से खींच के निकाल देती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये। अब इसमें जो ये पीछे थ्रेड आता है, इसको यदि आप टाइट रखेंगे तो ये पास पास रहेगा, और वो थ्रेड यदि आप लूज़ रखेंगे तो ये काफ़ी लूज़ हो जाएगा। तो आपको ये जैसे रखना है उस तरह कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऊपर वाली लाइन में ये एकदम पास रखें, बीच वाली लाइन में उससे थोड़ा लूज़ और नीचे की लाइन में उससे थोड़ा लूज़, तो ये इस तरह राउंड शेप लेके बन जाएगा। दोस्तों, इस स्टिच का अरेंजमेंट भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें ऊपर और नीचे एक एक लाइन आप फर्स्ट या सेकंड स्मोकिंग की स्टिच से बना सकते हैं। उसके अलावा आप इसके बीच बीच में और एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी आप तैयार कर सकते हैं। देखा दोस्तों आपने कि इसके लिए भी हमें सबसे पहले तो प्लीट्स की ही ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद जो हमने इसमें बनाया वो बाकी सारी स्टिचेस से थोड़ा सा फर्क है। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एकदम डिफरेंट स्टिच लेके आने वाली हूँ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल के बटन पर भी क्लिक करें जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और यदि वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना कभी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। नमस्ते, बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।